को जा रहा है लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट करें एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू सेंड अस द मनी सो वी कंटिन्यू हां जी अच्छा जी स्टार्ट करते हैं एज मैं मैं आपको पर्टिकुलरली मैं गैस चेंबर के अंदर से आजकल ड्राइव करके आती हूं एंड इट इज इट इज लिटरली लाइक अब ना हर ऑर्गन के अंदर ना अजीब तरीके से स्मोक जो है वो घुसना शुरू हुई है एंड द सिचुएशन इज़ गेटिंग एज यूजल हम फोर हंड्रेड्स में जा चुके हुए हैं और हम नंबर वन पे भी हैं और मुसलसल हम हमारा कॉम्पिटन पिशावर के साथ भी चला हुआ है कि पिशावर में भी बहुत ज़्यादा स्मोक है और डिफरेंट तरीके की इस वक्त जो है आ, 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 वो चीज़ें लेकर आ आने जिससे वो कंट्रोल कर जिसमें सबसे स्टुपर्टा कि अब आप उसको कहेंगे वो स्टुपट नहीं आई ये वो कि अहम सड़कों पर जो प्यारी प्यारी होती है ना पानी का छिड़काव शुरू कर दिया है ताकि आपको स्मोक जो हवा में नजर आ रही है ना वो आपको नजर आए मतलब तारे का ही पानी नहीं है एंड नाउ यू आर यूजिंग स्मोकन गो मेजर स्टेप्स जो कि यहाँ पे हो ही नहीं सकते हैं है? देखो असिस्टेंट कमिश्नर साहब होंगे जिन्होंने ये फैसला किया होगा कि वो कौन सी अहम सड़कें हैं

आई हैव टू many थिंग्स टू से today, ठीक <laughs> है? है अच्छा हम लोग ना सी आर एक पे बात आ जाती है जिन्होंने एक ये पूरा दावर भट्ट और सुनील दाया ने इस पे काम किया है एंड दिस हैज़ primarily जो रिसर्च थी इन वर्स कराची कराची के अंदर जिस तरह से uh, मतलब अमिशन uh, जो है वो रिड्यूस हुई है ठीक है इकनॉमिक स्लो डाउन की वजह से लोअर एमिशन था एंड दैट इज़ ऑल्सो लाइक अगर आप वो आर्टिकल पूरा एक, पढ़ लें उसके अंदर मैं आपको पुरानी मैं पढ़ नहीं सकती आप कि उसके अंदर जो फ्यूल प्राइसेस जो थी एक हद तक उन्होंने हम लोग सब्सिडाइज देते रहे देते रहे देते रहे ठीक है और उसके अंदर कंजम्पशन भी ज़्यादा होती गई होती गई फिर ज़्यादा ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन भी थी और वो सब इस्तेमाल किए जा रहे थे लेकिन जैसे फ्यूल प्राइसेस बढ़ी हैं ठीक है ठीके? और वो टीका लगाए तो एकदम से सारे एक तो व्हीकल ट्रांसफ़र भी आया है कि जी वो टू व्हीलर्स के ऊपर आ गए हैं प्लस दर इज़ ऑल्सो लाइक पीपल हु सेल लाइक दो नंबरी से डी आ, डीजल से वो लोग डीजल पर भी हो गए तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स और फिर इकोनॉमिक्स स्लो डाउन इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी था कि है ही कुछ नहीं तो फिर कुछ बन ही नहीं, नहीं रहा है तो उसकी वजह से भी ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स एडेड टू लोअ इमिशन रेट ठीक है स्टार्टिंग फ्रॉम द डे जब पैदा टीका आपको लगा था पेट्रोल का और अब तक के लिए और एक्सपेक्टेशन भी ये कि शायद दिस विल एक्चुअली गो ऑन फॉर वायर सो

इसमें एक्चुअली एक और नेगेटिव पहलू है कि इकोनॉमिक हमारे हालात इकोनॉमी के ऐसे हो गए हैं इतनी स्लो डाउन हो गई है कि उसकी वजह से स्मॉग कम है सो so, यानी कि पहले हम धुएं से मार रहे थे अब हम धुएं और बेरोजगारी दोनों से खासा <laughs> ही निकलता है ना कि मतलब आप वो पढ़े फील गुड सो no. so, बस यार वो पीछे कुआं आगे खाई वाला चक्कर है हम डिस्कस कर चुके हैं कि पहले मतलब जो सबसे मतलब बड़े जो फैक्टर्स हैं चाहे वो दस पंद्रह परसेंट का ही हो फसलों को आग लगने वाला हुँ. उसका हैप्पी सीडर इलाज है जो कि गवर्नमेंट नहीं कर रही आ, उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला है जो उसके बाद क्या वैसे तो साठ सत्तर फीसद जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो है गाड़ियों का धुआं अच्छा अब वो गाड़ियों और बाइक्स के धुएं के लिए जाहिर है किस चीज़ की जरूरत है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्योंकि ज़रूरत तो अपना जो तेल है हमारा जो पेट्रोल है उसको हाँ। मज़ीद रिफ़ाइन करने की भी है क्योंकि बाहर यूरो फाइव चल रहा है हमारे यहाँ जो यूरो फोर भी है वो सुना है यूरो टू ही है सो लेकिन अब <laughs> वो चार रिफ़ाइनरियाँ अपग्रेड करने के लिए चार अरब डॉलर चाहिए तो वो तो हमारे पास नहीं है तो बजाय के यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे काम हो हम अभी तक अंडरपास और ब्रिज और वो सारा कुछ करते जा रहे हैं वो किस पड़ा है पूरा शहर वो किसके लिए है वो तो गाड़ी वालों के लिए है ना तो आ, मतलब आप सबको ये बता रहे हो कि गाड़ी ही लो क्योंकि और तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं अभी हाँ। भी चार ब्रिज बन रहे हैं गाड़ी वालों के लिए बन रहे हैं बस तो चलती कोई नहीं आप खुद तो देख लें फेज सिक्स रिक्शा ने तो आना नहीं है हाँ और मैं ना देखो एक और चीज की एक तो है की मनसूबा रियाती जी जंगला बस है या ऑरेंज ट्रेन है ये तो एक चीज होगी ना वो नहीं बन रहे बहुत बड़ा मसला है वो क्यों नहीं बन रहे ठीक है दूसरा ये जो हमारे दौर में बचपन में का मतलब है कि वो जो नौ, नंबर की वैगने चलती हाँ। थी वो भी तो बंद हो चुकी है ना अब तो वो भी मुझे नजर नहीं आती नहीं टाउनशिप के इलाके में आपको फिर भी नजर आ जाएगा वरना मोस्टली इट्स नॉट अवेलेबल हाँ सो so वो किधर गई मतलब वो रियास अगर एक बंदे को एक ड्राइवर को ज़ाहिर है उसमें भी वो ट्रांसपोर्टेशन जो है ना ये कारोबार चलाना बदमाशों का काम है शरीफ आदमी तो चला ही नहीं सकता तो कौन के चला सकता? हाँ लेकिन ये है कि क्या बदमाश बंद हो गए हैं मार्केट में आने उन्होंने खुद फैसला किया या रियासत ने कहा कि नहीं जी ये बंद करें मतलब क्या चाहे इन्होंने आलूगी या किसी और चीज़ का ही नाम लिया हो लेकिन वो एक ये भी तो है ना कि यार कौन सफ़र करता है वैगन में सबके तो पास अपनी गाड़ी है तो सही ऐसे तो अच्छा अक्सर मैंने ये सोचा है और मैं हमेशा ये सोचती थी कि एड्डी भी रेवोल्यूशनइज्ड यू नो ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं लेकर आई पी एम एल एन जो वैगने ख़त्म ही हो गई हैं या तो क्या आपके रिप्लेसमेंट ऐसे कोई ग्रैंड स्ट्रक्चर आ गया कि यू डिन नीत दैम वेयर आर दे ठीक है मुझे नहीं समझ में आती है एक बस अगर वो तीन वैगने जा रही हैं उसकी जगह आप जो है वो चार पाँच गाड़ियाँ जाएंगी और दस पंद्रह मोटरसाइकिलें जाएंगी और एक जिसे कहते ना एक मची हुई है यहाँ पर बट दैट रिपोर्ट द होल थिंग वॉज जस्ट सो डिसंटिंग एंड जस्ट वेज़ यू डाउन एंड आई थिंक एक क्या नाम लेते हैं मैं आपको ट्विटर पर शेयर भी कर दूँगी मैं बुक मार्क में एक वो पढ़ा हुआ था कि नॉट जस्ट दिस सिटी ठीक है पेशावर तो है ही लेकिन uh, और ये अप्रैल में एक तस्वीर ली थी इस्लामाबाद की पहाड़ों की जिसमें पहाड़ नजर आ रहे थे और इस अक्टूबर में अभी ये दो दिन पहले एक खातून तस्वीर नजर नहीं आ रहे हैं बिकॉज द एक्सटेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्टिंग और दरख्त तो तोड़ ही जा रहे हैं काट जा रहे हैं कर्क। दो नए फेज लेके आ रहे हैं इस्लामाबाद में सो so ये सारा कुछ चल रहा है और सो so, आज ना मुझे एक दोस्त मिला और वो बड़ा जिंदगी से तंग था कि यार वो मेरे घर तो इंटरनेट ही नहीं सही आता उसको लो। <laughs> और उसका काम जो है वो बाहर होता है और वो टेलीफोन वगैरह बाहर अच्छा। से लेता है हाँ जी जी हाँ तो बड़े उसके चल रहे हाँ। थे तो वो मैंने उसको ऐसे ही मेरे में हुआ कि यार अगर तुम्हारा पब्लिक डीलिंग वाला काम नहीं है ना तो तुम्हें लाहौर में तो रहना ही नहीं चाहिए मतलब अगर सारा कुछ तुम ऑनलाइन कर सकते हो और तो क्यों कोई लाहौर में रहेगा इस गंद में जब आपके वो पता ही लग रहा है कि हर साल आपकी जिंदगी के पता नहीं कितने साल कम हो जाते हैं चार साल कहीं नहीं गए लाइक लिटरली स्लाइस्टेड ऑफ फोर इयर्स फ्रॉम योर लाइफ बिकॉज यू आर इनहेलिंग ऑल ऑफ दिस मतलब मुझे जैसे जिंदगी में अगर अभी भी चांस मिले तो मतलब मुझे ये करना पड़ेगा जी मैंने अकेले रहना। अगर मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ काम भी सारा ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन वाले बेचारों की तो मुझे वाकई समझ में नहीं आती है लेकिन जो एक और है ना सो तो बात यह है कि अगर आपका सारा काम ऑनलाइन है तो आप तो आपको तो किसी हसीन इलाके में रहना चाहिए में जाके। जरूर इंटरनेट चलेट इंटरनेट वहाँ नहीं चलता बहुत मखसूस जगहों पे होता है जैसे मैं जब कश्मीर गई थी तो वहाँ पर बाग शहर में जो था बाग शहर में नहीं आ रहे सिग्नल ऊपर जाके एक लगा अच्छा, उसी को ना मैंने ये कहा अच्छा यार तुमने वो तो तंग करता है तार वाला इंटरनेट तो, तो तुम मोबाइल वाला इस्तेमाल कर लिया करो उसने कहा मैं जियो आर में रहता हूँ तो मोबाइल वाला बेहतरीन चल रहा होता है वैसे लेकिन जब भी प्रोटोकॉल वाला गुजरता है ना तो सारे सिग्नल चमेट लेते हैं भाई मैं आपके साथ हूँ ये तकलीफ इस तकलीफ से मैं गुजरती हूँ और बहुत दफ़ा गुजरती हूँ क्योंकि हर तरह का प्रोटोकॉल वहाँ से गुजरना है आर्मी का गुजरना है पॉलिटिशियंस का गुजरना है छोटी से छोटी सामी का भी वहाँ से गुजरना है और हमारे वैसे सिक्योरिटी तो वैसे ही हमारी पैक हुई रहती है हम सिग्नल पूरे दे ही नहीं पाते किसी को तो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड आई डू नो वट आर गोइंग थ्रू अच्छा आगे चलते हैं सो फ़ वक्तन फवक्तन जो फयाज़ुल हसन चौहान है ना वो एक्टिव होते रहते हैं ठीक है और उन्होंने ये अपनी तरफ से किया है कि जी पी टी आई की तो, जो टीम थी सोशल मीडिया के दैट से ऑपरेटिंग हो सरकार का खर्चा सरकार ने जो है वो अपना इमेज वहाँ पर बनाने के लिए जो है उनको पेज दे रखी हुई थी एंड मेरिट पर भी नहीं आ रहे थे वो कह रहे थे कि अनपढ़ जाहिल ठीक है अनपढ़ जाहिर को रखा हुआ था जस्ट बिकॉज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एक तो यू हैव टू अंडरस्टैंड सोशल मीडिया कि यू डोंट रियली हैव टू बी एजुकेटेड टू हैव अ फॉलोइंग देर इज अ सर्टन थिंग अबाउट पीपल जो लोगों को भा जाती है और लोग उनकी बात सुनते हैं प्लीज टिकटॉक को इसीलिए फॉलो किया करें टू तो टच द ग्रास कि यहाँ किस तरह ऑपरेट करती है एंड something विच डेंट सरप्राइज मी बिफोर वो ये था कि जब uh, मैं पी एम एल एन के साथ काम कर रही थी और पी टी आई के अपने सेल्स भी थे तो हमेशा जब हम पी टी आई पी एम एल एन वाले बैठते थे, थे ना तो वी यूज़ टू टॉक अबाउट इन इन सिग्नल्स अबाउट कितनी को पे हो सकती है बड़ा गैस वर्क चलता था ना नो बड़ी यूज़ टू तो टेल ई ज्यादा कि कितना चल रहा है इन्होंने बताया ट्वेंटी फाइव टू फोर्टी के ओवर पेड एंड दिस इज द अमाउंट जो नून लीग भी पे करती है ठीक है सेम अमाउंट थी तो आई विश वेरी सरप्राइज एंड आई विश लाइक मे बी शायद ये जॉब्स ही ऐसी हैं जिसके अंदर आपको वो पे नहीं किया जाता ट्वेंटी फाइव टू फोर्टी के तक वो आपको पे करें करे। खैर उन्होंने बताया कि जी आ, मैं और मेरा सोशल मीडिया जो है मुझे जो दो दफ़ा हटाया गया था वो इसी वजह से था कि मैंने एक स्टांस लिया था असूल का मैंने कहा तुमने किसी जर्नलिस्ट को कुछ नहीं कहना तुमने किसी इदारे को कुछ नहीं कहना तुमने, किसी को, नहीं कहना? तुमने किसी को ये नहीं कहना तो जिसकी वजह से मुझे दो दफ़ा हटाया आप जितनी दफ़ा हुकूमत में आपको लगाया गया है फॉर इंफॉर्मेशन से आपका पहला अटैक होता था स्टेज डांसर्स ठीक है पहले आप कहते थे उन्होंने हज कराना है ठीक है फिर वो आपको होता था मैंने इनका डांस बंद कराना है मैंने स्टेज बंद कराने आप किस मुंह से कह रहे हैं इस वक्त अच्छा सर इसमें ना दो बड़ी मजेदार चीजें एक तो ये कि वो जो तुमने जिक्र किया ना कि पैसे बड़े कम मिलते हैं चाहे कोई भी पार्टी हो इसमें मेरा ये ख्याल है कि जो लोग भी होते हैं ना इस काम में वो तनख्वाह के लिए नहीं जाते तनख चाहे जीरो रुपीज हो और फिर वही बात है कि पच्ची हजार जो है वो तो आपका आने जाने का किराया ही हो जाता है तो इसमें आपको ऊपर क्या बचता है कुछ भी नहीं तो फिर बेसिकली वो तनख्वाह के लिए तो काम नहीं कर रहे वो कहते हैं कि वो न्यूट्रल थे सारे और इतनी तनख्वा पे वो कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल थे तनख्वाह पे आ गए थे नहीं नहीं देखे ये जो है ना पैसों के लिए कोई काम नहीं करता ये काम करते हैं अपने काम करवाने के लिए सो पाकिस्तान में न आपने कोई काम करवाना है तो वो तो हो गई नहीं कोई भी काम So, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो ना तो फिर आपके काम हो सकते हैं खास तौर पे अगर वो पार्टी पावर में है और ये लोग अपने मुंह से कहते हैं और ये सिर्फ ये वाले नहीं पॉलिटिकल पार्टीज वाले नहीं ये जो दूसरे भी हैं ना जो अपना सोशल मीडिया चलवाते हैं हाँ हा। वो सीधा सीधा मुंह से कहते हैं कि हम आपको पैसे ज़्यादा नहीं दे सकते लेकिन आपके महीने में दो काम करवा दिया करेंगे ठीक है अब वो चाहे किस गैस का मीटर लगवाना है वो बिजली का मीटर लगवाना है वो कुछ भी करना है फिर भी बात है आपको इस महीने कोई काम नहीं कराना ठीक है ये महीना आपका वैसे तो बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में कोई महीना आपका सुकून से गुजर जाए लेकिन चले आ गया एक हाँ. तो फिर क्या आप क्या करते हो कि आप महल में किसी और के काम करवा देते हो और उनसे पैसे पकड़ लेते हो सो ये एक डील होती है जब आप रियासत के साथ या हकूमत के साथ काम कर रहे होते हो

लेकिन बहरिए ये ये हो नहीं सकता फिर भी बात है जिन लोगों को तुम जानती हो वो ऐसे होंगे जरूर लेकिन ये बात ज्यादा चल नहीं ना सकती कि एक बंदा आपको दिन के इतने घंटे दिए जा रहा है और वो बदले में ले ही कुछ नहीं रहा तो ये हो नहीं सकता सो इसलिए कुछ केसेस को छोड़ के बाकी सारे अपने काम करवाते हैं अच्छा ये हो गई इसमें एक बात दूसरी बात इसमें यह है कि ये जो कह रहे हैं ना कि इन्होंने सब कुछ बता दिया है कि प्रोपगेंडा कैसे होता है तो जबरदस्त फिर करो <laughs> <laughs> ओ, क्यों नहीं था <laughs> <laughs> और अगेन मुझे है ना कि हुकूमत के खर्चे से यकीन ऐसा ही होगा मतलब मैंने तो आपको पता है कि मैं तो सियासतदानों से कोई खास भले की उम्मीद नहीं रखता सो यकीनन जो भी पार्टी में था जो हुकूमत में था पीटीआई जो है वो यकीनन सरकार के ही पैसे दिलवा रहे होंगे पैसे क्यों दे हाँ, हाँ लेकिन मतलब फिर वो ये क्या अब जो सरकार है उसके रिसोर्स खत्म हो गए, दे दे वो अपना करा सो वही बात है कि ये काम जो है ना ये जिसको आता है ना उसको तो आता है मतलब फिर भी बात है कि वो फरहान विर कभी आके कहे ना कि जी ये काम असल में ना ऐसे होता है मतलब जो भी अपनी तरजीह तो पेश करे तो मैं ना बड़े गौर से सुनूंगा कि यार क्योंकि इसको पता है yes. कि कैसे होता है yes. ये जो ना फैजन चौहान के मैंने बता दिया है हमारे पास आए मैं आपको फीस दूंगा आप मुझे सिखाए ताकि मैं अपना चैनल चला सकू और उसमें से जो पैसे आएंगे वो मैं आपके साथ उसकी पार्टनरशिप भी कर सकता हूँ सो अगर आपको पता था कि क्या है तो प्लीज आए और हमें सिखाए ऑल्सो अभी तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ था पी, ये पी टी आई आ चुकी हुई थी पावर में तो इन्हीं की माशाला की आदत के अंडर जो है मैं गई थी सी एम सेक्रट्रेट और वहाँ पर जो भी बैठे हुए थे सारे बुजदार से नहीं मुलाकात हुई तो वेरी अनफॉर्चुनेट खर लेकिन वहाँ पर गए उन्होंने कहा जी हमने डिस्कशन करनी है कि सोशल मीडिया को कैसे चलाना है एंड मोस्ट ऑफ दैम डिट नो इंक्लूडिंग सर चौहान अबाउट ट्विटर के उस पर क्या करना है और क्या नहीं करना है सो नाओ मैनी सेज़ कि जी मैंने बताया ठीक है मैंने सारा डिज़ाइन किया नो यू नॉट डू दैट

बस इतनी सी कुल कायनात है चलिए आगे चलते हैं आ, यार ये एक्स सी जे पी जो है ना क्या नाम है इनका अनवर जहिर अनवर जहीर जो साहब ने कहा है सर द गवर्नमेंट टू रीम बर्स कॉस्ट ऑफ टू थाउजेंड इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ थ्री ईयर्स क्योंकि वो कितने किलो वॉट का उन्होंने लगवाया हुआ था वो क्या है सोलर सिस्टम लगाया हुआ था इंस्टॉलेशन जो थी उनके अंदर फिफ्टीन के वी वॉलर सोलर सिस्टम थी एट हिज रेजिडेंस और उन्होंने उसको पर्सनली फंड जो है वो फाइनेंस किया था

चीफ जस्टिस अगर 2000 दे पैसे मांग दे पहले तो दे दे ऐद विच बहस च पेणा ना शर्मिंदगी है मेरी ओ पेणगे नहीं वो तो पेणगे लेकिन रियासत के बियाप पे भी तो है ना कि मैं क्या डील कर रहा हूँ तो बस दे दे पैसे तो खैर लेकिन ये है कि इंटरेस्टिंग <laughs> हर कोई हर किसी का बस लगा हुआ है कोई कुछ मांग रहा है कोई कुछ देखिए क्या बनता है इनके केस में अच्छा सो दिस न्यूज़ इज अबाउट द ईसीसी ग्रीन लाइट्स हैफ्टी सम ऑफ रुपीज़ एट बिलियन फॉर द पर्चेज एंड रिपेट्रेशन ऑफ टू एयर बसेज थ्री एट थ्री ट्वेंटी एयर विच हैव बीन ग्राउंडेड इन जकार्ता सिंस सेप्टेम्बर और हम इसको ऑन एंड ऑफ मेरे ख्याल से छेड़ते रहते हैं ये मैं आपको बता दूँ कि दस दिनों के अंदर पिछले जो दस दिनों के क्राइसिस चल रहा था व थ्री हंड्रेड फ्लाइट्स डेट वर सस्पेंडेड व पी आई ए अच्छा ये आठ बिलियन तो जकार्ता वाले के दिए हैं इसके अलावा इन्होंने मज़ीद पैसे भी पी आई ए को रिलीज़ किए हैं और अभी बल्कि मैं जब वन आई वॉज इन मलेशिया तो वहाँ पे मुझे कुछ दोस्त मिले अदनान एडी एक उनमें से उनका नाम जिन्होंने टिकट ख़रीदी हुई थी दिसंबर की पीआईए की लाहौर आने की और वो बड़ा परेशान थे कि मैं अगर ये पीआईए ने कैंसिल कर दी तो मैं क्या करूंगा फिर मैं अगर मैंने बड़ी पहले की ख़रीदी हुई है, है तो फिर मैं किसी और एयरलाइन पर शिफ्ट हूँ तो मुझे बड़ी महंगी मिलेगी हुँ. और ये वो तो अभी जब पैसे रिलीज़ हुए ना ये तो खैर पुरानी खबर है जो हुँ. अभी नए रिलीज़ हुए हुँ. तो उसको मैं तस्वीर भेजी कि सारे ऑपरेशन फिर से बहाल हो गए हैं मलेशिया से भी बहाल हो गए हैं लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पैसे फिर खूह में चले जाने हैं हमारे सामने पैसे खूह में जा ही जा रहे हैं जा ही जा रहे हैं खवाई जा रहे हो कब तक तो

तो आप उसको जरा करें लाइसेंस और वो आपका कुछ बर्डन वो उठा लेगा और इंटरनेशनल फ्लाइटें वो कर करेंगी बस इसको हम हमेशा हाँ, अक्सर ऐसे लगता है कि अगर ये ना रहेगी तो मैं मर जाऊंगा नहीं नहीं और बाहर बड़ी बड़ी एयरलाइंस बड़ा दिल रखने के लिए आपके जो है वो आ जाएंगी ट्राई टू डू इट प्लीज़ बहुत माजरत शो के फ्लो की ऐसी की तैसी फेर दी लेकिन बात ही इतनी जरूरी थी कल यानी कि एक नवंबर को शर्मीन खिलजी की सालगिरह थी हैप्पी बिलेटेड बर्थडे शरमीन और एम शेर हैं जो कि आपकी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आपको पता हो कि कोई शख्स है जो आपकी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं मांग रहा है और शर्मीन क्योंकि आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं तो आपको तो दुआओं की सख्त ज़रूरत भी है आपको पता है यहाँ पे तो ना लॉयर्स को किराए पे घर मिलता है ना क्रेडिट कार्ड मिलता है ना लोन मिलता है मैं सैड ही हो गया हूँ लेकिन आपको सब कुछ मिलेगा क्योंकि एम शेर भी आपके लिए दुआएँ कर रहे हैं और हम भी आपके लिए दुआएँ कर रहे हैं और क्योंकि आपको नाज़िया हसन पसंद है इसलिए एम शेर ने आपके लिए गाना डेडिकेट किया है आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले मुझको भूलाना नहीं मन को सजाने वाले जीवन में आने वाले जीवन से जाना नहीं मैं जवान मैं हसी मेरे पास क्या नहीं हो 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 आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले मुझको भुलाना नहीं एक ही नजर से कैसे दिल में बसे तुम से बंधन हो जैसे कदी हीरे मोती और पैसे कंकर पत्थर हो जैसे प्यार ये इतना आसी जन्म जन्म का सजन तेरा मेरा ये साथ दिल को पहुंचानी तेरी निगाहों ने आ हो 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 हो, हो आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले जीवन से जाना नहीं सो हैप्पी बर्थ रिलेटेड बर्थडे शमीन और uh, मुझे उम्मीद है कि ये सेलिब्रेशन जो कल से चल रही होगी आज भी हम उसका हिस्सा बन जाएंगे और कल कोई और बनेगा और एक हफ्ता बल्कि एक महीना बल्कि पूरा साल आपका साल गिराए मनाते गुजरेगा बैक टू द शो अच्छा ट्विटर uh, पे एक बहस चल रही थी बिफोर वी मूव फॉरवर्ड मेरे ख्याल से उसके बाद ट्वेंटी मिनट्स हो ही जाएंगे इनशाला तो उसमें वो ये बात हो रही थी कि um, uh, महर हैं जर्नलिस्ट एंड राइटर एज़ वेल सो उन्होंने ये कहा कि अबाउट टाइम फॉर गॉड सेक कि वी एडमिट के जो हीट uh, थी uh, वो बेसिकली सरयकी स्पीकिंग थी एंड फ्राम सराइकी फैमिली एंड सिंस कंसिडरिंग वो ये कह रही थी कि झंग जो है वो की uh, था एंड वॉज पार्ट ऑफ द साउद जिस पर एक uh, काफ़ी तूफान शुरू हुआ विच वॉज एक्सपेक्टेड एंड अलॉट ऑफ पीपल सेट के एट दैट टाइम प्रॉब्ली इट वॉज देयर बट ही नेवर स्पोक सो देर इज़ नो राइट ऑफ की ऑन हर इट इज़ टोटली पंजाबी फिर उन्होंने सुबह उठ के ये भी कहा कि नहीं मैंने ये नहीं कहा था, वो नहीं वो था कि वो सरायकी बोलती है कि नहीं बोलती मैं तो बस ये कही थी कि वो सरायकी इलाके में जंग आता था ये वो <laughs> नहीं, वो बहस in <laughs> असल में ये है कि सरायकी जो है वो मतलब पंजाबी ही है मतलब सरायकी जो है वो पंजाबी का डायलैक्ट है वो अलहदा लैंग्वेज नहीं <laughs> है तो फिर उसको आप गैर पंजाबी या नॉन पंजाबी कैसे कह सकते हो हीर को सो so, आप उसको सिराकी या कुछ कह रहे हो तो वो तो पंजाबी नहीं थी मतलब वो तो वो तो थी दे हैव अ डिफरेंट पोजीशनिंग ऑफ नहीं सो मसला वही डिबेट यही है हाँ। ना कि वो अलहदा लैंग्वेज है या वो पंजाबी का ही डायलेक्ट है सो so, हाँ, मैंने तो खैर उसमें हिस्सा नहीं लिया उसकी वजह ये है कि वो पंजाबी हो या वो सरायकी हो हम भावलपुर रियासत वालों का तो बीच में कोई लेना देना नहीं है आ, दूसरी तूने कैंपेन चलाई थी फिट दूसरी चीज ये है कि पहले मैं सराय की सुबह मांग रहा था अब मैं अपनी बावलपुर की रियासत मांग रहा प्लॉट आ मांगा नहीं देखें ये मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं कि ये जितने जेनरस है ना मतलब हमारी जो हमेशा से ही हुक्मरान तबका रहा है ये बहुत जेनरस है सो so, आप देखें कि कैबिनेट मिशन प्लान में अटानमी मांग रहे थे ना सूबों की उन्होंने पूरा मुल्क दे दिया बांग्लादेश वाले सूबाई राइट्स मांग रहे थे पूरा मुल्क ही दे दिया <laughs> 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 सूबा मांग रहे हैं मुल्क लेके जावा अल्लाह माफ करे अल्लाह माफ करे जोक था इसको आपने सीरियसली नहीं लिया आप ही रख लें हां टेक इट बैक मैं वापस हां अच्छा तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इस पे वो भी एक बड़ा जोक है ना जो सराइकी वाले ही करते होते हैं कि साड़ी हीर कोई यानी भेड़ी नहीं सी ऐते <laughs> वारसा ने उन्हें बदनाम किया <laughs> चंगी सी अच्छा दूसरा ये कि इस पे जिस तरह से लोग जोक तर जोक आए ना और सियासतदान इस रेट के ऊपर चौधरी हाँ, वो जो था ना सो अब ये ठीक गलत वट शी वाज सेंग एंड मतलब उसमें बंगश ने क, जिस तरह से आके कहा कि नहीं मसला ये नहीं है वो पंजाब ही है सारा कुछ अब ये बहस कल्चरल थी या इल्मी थी जो भी थी ये जो बाकी सारे इसमें वो एकदम से आ जाते हैं ना मुझे लगता है आई कैन बी रॉन्ग कि सबको एकदम से ना तश्वीश ये हो जाती है कि यार ये या कितें पंजाब के मुख्तलिफ सूबे तो नहीं बनन लगे तो जे वह बने तो वह किस बुनियाद पर हो गए वह लस्सानी हो गए वो इंतज़ामी हो गए वो, वो कि फलाना अच्छा और उस पर ना मुझे ख्याल नहीं आ रहा था कि इमेजिन करो कि इसके बाद सूबे बन जाए मतलब हीर जो है ना वो वजह बने पंजाब <laughs> की तकसीम के और उसके बाद लोग आगे कह के मरण के बाद भी घर तोड़न तो बाज नहीं आए <laughs>